देखिए, हाई कमांड इस पर मंथन कर रही है। चंडीगढ़ के एक होटल में जितने भी पर्यवेक्षक और जो पार्टी प्रभारी भेजे गए हैं वो इस बात को लेकर हाई कमांड के साथ रास्ता बना रहे हैं। अभी तक जो दो नाम आगे चल रहे हैं वो दोनों पंजाब से ही हैं और माना ये जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू या फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये दो नाम है वो कैबिनेट मंत्री हैं रंधावा अभी भी, और सिद्धू पार्टी प्रेसिडेंट है पंजाब की। इन दोनों नामों पर जिस पर भी सहमति बनेगी उसमें से किसी को भी जो है सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन अभी तक मानना यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि एक मशहूर चेहरा है लेकिन वो थोड़ा टाइम पहले ही कांग्रेस में आए हैं, तकरीबन 5 साल भी हुए हैं, तो उनको भी बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री। लेकिन अभी तक कोई फाइनल मोहर नहीं लगी है। सुनील जाखड़ को पहले पार्टी हाईकमांड मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, पर क्योंकि सुनील जाखड़ ना एमएलए है ना सांसद है और दूसरी तरफ से वो हिंदू भी हैं, तो सवाल ये उठता कि क्या पंजाब को चलाने के लिए कांग्रेस के पास कोई सिख चेहरा नहीं बचा है। इस चीज से बचने के लिए, इस विवाद से बचने के लिए अब सिख चेहरे को तलाशा जा रहा है और इस रेस में नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर आगे माने जा रहे हैं। लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है हाईकमांड की तरफ से, तो एक बार तमाम जो विधायक हैं उनकी भी रायशुमारी कर ली जाएगी। लेकिन इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, माना यह जा रहा है कि शाम तक सारा मामला साफ हो जाएगा और राजभवन को ये बता दिया जाएगा कि शपथ कब ग्रहण करनी है। अगले 2-4 घंटे में माना जा रहा है कि मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। हालांकि पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि कल रात में ही इसे क्लियर कर लिया जाएगा और 11 बजे सुबह विधायकों को कहा भी गया था कि आप तैयार रहिएगा, हो सकता है कि आपके साथ मीटिंग करके आपको राजभवन जाना पड़े। लेकिन हाईकमान और दिल्ली के बीच ये अभी तय नहीं हो पाया है कि किस एक नाम पर मोहर लगानी है, लिहाजा इस फंसे हुए पेच को सुलझाने की कार्रवाई सुबह से ही चल रही है। अभी चंडीगढ़ के जेडब्ल्यू मैरिट होटल में काफी बड़ी संख्या में जो दिल्ली से आए हुए दोनों ऑब्जर्वर और पार्टी प्रभारी के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह और कई कैबिनेट मंत्री और विधायक वहां पर मौजूद हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो अपने घर पर ही है, उनकी तरफ से सुबह से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कल शाम 4:30 बजे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। उसके बाद सारी मथापच्ची जो है वो पंजाब का नया सीएम ढूंढने के लिए चल रही है। सुनील जाखड़ के नाम पर सहमति ना बन पाने के कारण हाई कमांड को दूसरे नामों पर विचार करना पड़ रहा है। अब चंद घंटों में ये बात पता लग जाएगी कि पंजाब को अगले चुनाव तक कांग्रेस की तरफ से कौन लीड करेगा। जी शुक्रिया जगविंदर। সত্য অন্তহীন, সত্যের খোঁজও তাই, সত্য সন্ধানে তাই আমরা অক্লান্ত অকুতোভয়। এবিপি আনন্দ নতুন ভাবনার প্রতীক, যা মনে মুক্ত, তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য ব্যানাজার যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।